ये कैसे संभव है? महादेव का प्रतिरूप प्रतीत होने वाला कौन है ये दंभी दुस्साहसी जलंधर? महादेव की क्रोधांगिनी से उत्पन्न हुआ है ये। भगवान बनोगे तुम? भगवान बनना बालकों की क्रीड़ा नहीं जलंधर। तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम स्वयं को भगवान घोषित कर दोगे तो सभी तुम्हें भगवान मान लेंगे? मानेंगे, अवश्य मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। सब श्रेष्ठ मैं अपनी अपार शक्ति से किसी को भी पराजित कर सकता हूँ। दिखने में महादेव के समान हूँ। जब आप स्वयं असुर गुरु शुक्राचार्य मुझे देखकर भ्रमित हो गए, मेरे समक्ष नतमस्तक हो गए, तो देवता हो या दानव, उन्हें मेरा अनुयायी बनने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तुम्हारी, तुमने नहीं, तुम्हारे रूप ने भ्रमित किया था मुझे जलंधर। किंतु मेरा भ्रम टूट गया है जलंधर, तुम्हारा सत्य जान गया हूं मैं जलंधर। जब असुर गुरु को ही तुम पर कोई आस्था नहीं, कोई विश्वास नहीं, तो दूसरे असुर तुम पर क्यों विश्वास करेंगे? क्यों मानेंगे तुम्हें भगवान? तो आप ही बताएं असुर गुरु, मेरे प्रति आपकी आस्था, मुझ में आपका विश्वास जागृत करने के लिए मुझे क्या करना होगा? भगवान बनने की इच्छा रखते हो तुम, तो मेरी चुनौती स्वीकार कर अपनी परीक्षा दो। इन दो गुफाओं को पार करके दिखाओ, फिर आना मेरे पास। सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं, किसी परीक्षा से पीछे नहीं हटूंगा, स्वयं को भगवान बनने योग्य प्रमाणित करके ही लौटूंगा। मेरे बल श्रेष्ठ, सावधान रहिएगा, मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है, कहीं वहां कोई संकट ना हो। वृंदा, चिंता भीरु करते हैं, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें चिंता शोभा नहीं देता, और जब तक तुम जीवित हो कोई भी संकट मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकता, इसलिए यही मेरी प्रतीक्षा करना। मैं बस अभी गया और अभी आया। जलंधर, भ्रम जब भंग होता है तो वो सत्य उजागर होता है, वो सत्य जो कभी कभी भयानक रूप लेकर हमारी परीक्षा ले सकता है। क्या अपने सत्य को स्वीकार करने की क्षमता है तुम्हें?
चित्र परीक्षा है ये। गुफा पार करने से कैसे प्रमाणित होगा कि मैं भगवान बनने योग्य हूं? ये प्रकाश अवश्य यहां से बाहर निकलने का मार्ग इंगित कर रहा है। गुफा के अंधकार में कंगन की खनखनाहट, कोई और भी है यहां? ये कंगन की ध्वनि मेरे इतने निकट, क्या कर रही हो? वृंदा, तुम यहां कैसे आई? जैसे आप यहां आए, मेरे बल श्रेष्ठ। तुम भिन्न क्यों प्रतीत हो रही हो? तुम कुशल तो हो ना वृंदा? मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ, मैं कुशल से हूं, किंतु आपका यह गुफा के भीतर निपट एकांत होना मुझे बहुत सता रहा था, इसलिए मैं यहां चली आई। वृंदा, मैंने तुमसे कहा था कोई भी संकट मुझ पे नहीं छा सकता। एक तो ये मेरी समझ से परे हैं, तुम्हारे असुर गुरु मुझे इस गुफा में भेजकर कैसी परीक्षा ले रहे हैं, और ऊपर से तुम भी यहां आ गई। किंतु जो भी है, मैंने यहां से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढ लिया है। चलो, यहां से बाहर निकलने की बड़ी शीघ्रता है आपको। आपने इस गुफा से बाहर निकलने का मार्ग अवश्य ढूंढ लिया होगा, किंतु जो मैंने ढूंढा है वो इससे भी कहीं ज्यादा उत्तम है। आइए ना। ऐसा क्या ढूंढ लिया इसने? वृंदा,
तुम मुझे कहां ले आई? ये तो बड़ा विचित्र दृश्य है, किंतु इसकी क्या आवश्यकता थी? मेरा इस प्रकार से आपको चकित करना भार आए ना प्रिय बलश्रेष्ठ। वृंदा, असुर गुरु ने मुझे मेरी परीक्षा लेने के लिए मुझे यहाँ भेजा था। मेरा उद्देश्य था इस गुफा से निकलना, जिसका मार्ग मैं ढूंढ चुका था, तो फिर इस समय मुझे इस गुफा से बाहर होना चाहिए था। बलश्रेष्ठ, विवाह संपन्न होते ही मैं आपको यहाँ असुर गुरु के पास लेकर चली आई। एकांत में पल बिताने का समय कहाँ प्राप्त हुआ हमें, और अब जब आपके साथ समय व्यतीत करने के लिए आपके पीछे पीछे इस गुफा में चली आई, तो आप इस निपट एकांत में मेरे साथ कुछ समय भी नहीं बिताना चाहते? उचित है वृंदा, कदाचित कुछ समय बिताने में यहां कोई हानि नहीं होगी। वो संकट हो जो तुम्हें ली जाएगा। सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं, उच्च परवार तुम्हारे संघार का कारण बनेगा। श्रेष्ठ जलंधर हूं मैं। मैं गुफा से बाहर कैसे आया? तुम यहां कैसे आई, और गुफा के भीतर अजगर बनकर क्या करने का प्रयास कर रही थी तुम? गुफा के भीतर अजगर रूप में, किंतु मेरे बलश्रेष्ठ, मैं इस संपूर्ण अंतराल में मैं यही थी। यदि ये यहीं थी तो गुफा के भीतर वो कौन थी जिसने अजगर रूप धरकर मेरा अंत करने का प्रयास किया था? ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहो जलंधर, गुफा में क्या देखा तुमने? मैंने देखा कि
तुमने देखा एक मार्ग वहां से बाहर निकलने का, फिर तुमने देखी एक सुंदरी जिसने तुम्हें मोहित किया। और तुम्हें भ्रमित कर तुम्हारे मार्ग से तुम्हें भटका दिया और तुम्हारा वध करने का प्रयत्न किया। असुर गुरु वहां नहीं थे तो उन्हें कैसे याद है कि वहां क्या घटा था? तो क्या सब इन्हीं का किया धरा था? तो ये भ्रम आपने ही उत्पन्न किया था। मेरी पत्नी की प्रेरणा से मैं आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करने आया और आपने उसके द्वारा ही मेरे पद का भ्रम रच डाला। क्यों किया ऐसा आपने? बोलिए। असुर गुरु शुक्राचार्य, हम आपके पास यहाँ मार्गदर्शन के लिए आए थे, किंतु आपने हमारे साथ इतना द्वेषपूर्ण व्यवहार किया जिसके दंड स्वरूप मुझे मेरे प्रिय बल श्रेष्ठ को आपका वध करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जलंधर, मैंने ही वो भ्रम उत्पन्न किया था जो तुम्हारा कटु सत्य है। भविष्य में तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारे लिए मारक संकट बनेगी। कदाचित अपराजय बनने का सामर्थ्य है तुम्हें, किंतु अनुचित व्यक्ति के साथ का चुनाव तुम्हारे पतन का कारण बन सकता है। एक स्त्री ही तुम्हारे पतन का कारण बनेगी। और तुम स्वयं देख चुके हो वो स्त्री कौन है। मेरा चुनाव अनुचित नहीं, सर्वथा अनुचित आप में कथन है, क्योंकि जब तक मेरी पत्नी जीवित है मैं अमर हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। अमर सर्वश्रेष्ठ। मैंने कोई प्रयास किया गुरुदेव जो आप इस प्रकार हंस रहे हैं? मेरी पत्नी मेरे विनाश का कारण नहीं बन सकती। अभी तो जब तक वो जीवित है कोई भी हानि मुझे स्पर्श नहीं कर सकती। कैसे गुरु हैं आप जो मुझे मेरी पत्नी को छोड़ने का सुझाव दे रहे हैं? मैं ऐसा करा भी नहीं करूंगा, करा भी नहीं। चलो वृंदा, इस वृद्ध कपटी असुर गुरु का अनुचित मार्गदर्शन नहीं चाहिए मुझे। चलो जलंधर। इतनी कठिनाई उठाकर मेरे पास आए हो तो दूसरी गुफा के भीतर भी जाके देख लो।
ये उजार किसकी प्रतिछाया है? निर्णय ले ही चुके हो तो विलंब क्यों जलंधर? जाओ दूसरी गुफा में प्रवेश करो। इसमें प्रवेश करना है मुझे। कैसी परीक्षा ले रहे हैं शुक्राचार्य? इतने परिश्रम के पश्चात किससे भेंट होने वाली है ज्ञात नहीं। किसी ब्रह्मजाल का कूट चक्र रचा हो। सावधान रह के आगे बढ़ना होगा मुझे। और किसकी प्रतिछाया है? कैसा भ्रम उत्पन्न किया है सुरगुरु ने?
मुझे भ्रमित करने का प्रयास किया इस बार। सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं, संपूर्ण संसार में मेरे जैसा एकमात्र मैं ही हूं। सुना तुमने, एकमात्र मैं। मेरे समान होने का ढोंग करने वाले तुम जो भी हो, हट जाओ मेरे मार्ग से। मैंने कहा हटो मेरे मार्ग से। व्यता से परिपूर्ण है। नहीं नहीं, अवश्य भ्रम है ये मेरा। इस बार मैं किसी भ्रम में नहीं फंसूंगा। उस दुष्ट असुर गुरु ने मुझे कोई पाठ सिखाने के लिए रचा है इसे। हट जाओ मेरे मार्ग से। तुम सत्य हो, भ्रम नहीं, ये तुमने कैसे जाना? तुम्हारे साथ शब्दों की क्रीड़ा का समय नहीं है मेरे पास। हट जाओ मेरे मार्ग से। हट जाओ। हट जाओ। नहीं हटोगे तो वक्त उसका परिणाम। मेरे समान बनने का प्रयास करने वाले को जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। क्या तुम्हें अब भी कोई भ्रम प्रतीत होता है? भ्रम हो या सत्य, तुम जो भी हो, तुम्हें तुम्हारी उद्दंडता का दंड अवश्य मिलेगा। शक्तिशाली हूं मैं, भगवान हूं मैं। मेरे विरुद्ध जो भी खड़ा होगा उसका अंत करूंगा मैं। कैसे हो गया ये?
शक्ति का सामना क्यों नहीं कर पा रहा हूं मैं? ये त्रिशूल से क्या करना चाहता है? मैं तुम्हारे समान नहीं, तुम मेरे समान होने का ढोंग कर रहे हो, इसलिए तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। कुशल तो है? कहो जलंधर, इस बार गुफा में क्या देखा तुमने? मैं देखा कि मेरे समान एक योद्धा ने मेरा वध कर दिया, किंतु जब तक मेरी पत्नी जीवित है कोई मेरा वध कैसे कर सकता है? तुम्हें उस गुफा में जिनके दर्शन हुए जलंधर, जिनको अपने किसी भी वार से लेश मात्र भी हानि नहीं पहुंचा सके, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्वशक्तिशाली, सर्वोच्च, काल के काल महाकाल, स्वयं महाकाल है, स्वयं महाकाल है, स्वयं महाकाल है। जो तुम्हारे रूप से भ्रमित होकर तुम्हें समझने की भूल कर बैठा था मैं। महादेव अर्थात शिव, महादेव का परम भक्त हूं मैं, किंतु तुम्हारा गुरु होने के नाते तुम्हें उचित मार्ग दिखाना भी मेरा परम कर्तव्य है। तुम नवीन भगवान बनकर संसार पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहते हो, मुझे अति उत्तम लगा तुम्हारा यह विचार, जो असुरों के पूर्व प्रयासों से अधिक श्रेष्ठ है, और तुम इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हो। इसलिए आज तुम्हारा गुरु होने के नाते मैंने तुम्हें दो अत्यंत महत्वपूर्ण सीख दिए हैं। वो स्त्री जो अंततः तुम्हारे पतन का कारण बनेगी, उससे सावधान रहने की मेरी प्रथम सीख तो तुमने अनसुना कर दिया। आप कितने भी प्रयास कर लें असुर गुरु, किंतु मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। किंतु मेरी दूसरी चेतावनी सदा स्मरण रखना जलंधर, नवीन भगवान का पद प्राप्त करने के पश्चात कभी भी महादेव या कैलाश के निकट मत जाना, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु आलिंगन करेगी तुम्हारा। महादेव के समक्ष आए तो उनके हाथों से तुम्हारा अंत होगा। मुझे ज्ञात है तुम अपनी पत्नी का त्याग नहीं करोगे, किंतु वचन दो मुझे, मेरी दूसरी चेतावनी का तुम सदा ध्यान रखोगे। वचन दो मुझे, वचन दो मुझे, वचन दो मुझे। उचित है असुर गुरु, वृंदा का त्याग नहीं कर सकता मैं, किंतु मैं वचन देता हूं, नवीन शिव बनने के बाद मैं कैलाश के निकट भी नहीं जाऊंगा। यह दिव्य त्रिशूल धारण करो।
जलंधर, महादेव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण उनके क्रोध की शक्ति है तुम में, और अब इस त्रिशूल के साथ तुम्हें अन्य मायावी शक्तियां और अष्ट सिद्धियां प्रदान करता हूं और तुम्हें शक्ति संपन्न करता हूं। जलंधर, अपने दोनों हथेलियों को मेरे सामने लाओ। महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकर्म, इशिता और वशिता प्रदान करता हूं। तो तभी प्रस्तुत होती है जब कोई किसी को महान शक्तियाँ प्रदान करता है। ये दिव्य प्रकाश तो वहीं से उत्पन्न हो रहा है जहाँ गुरु शुक्राचार्य अपना तप कर रहे हैं। क्या वो किसी को विशेष शक्तियाँ दे रहे हैं? कहीं उनके द्वारा ये शक्तियाँ किसी कुपात्र को तो प्राप्त नहीं हो रही हैं? अब जाओ वत्स, नवीन कैलाश का निर्माण कर, स्वयं को संसार के नवीन शिव के रूप में स्थापित हो जाओ। सर्वश्रेष्ठ तो था मैं, अब इन शक्तियों को प्राप्त कर सर्वोच्च भी बन जाऊंगा मैं। धन्यवाद गुरुदेव। जाओ जलंधर, किंतु स्मरण रखना, कैलाश से सदैव दूर रहना। ये दूरी ही तुम्हें तुम्हारे अंत से दूर रखेगी। उचित है गुरुदेव, अब मैं विदा लेता हूं। जाओ जलंधर, संसार में असुर साम्राज्य स्थापित करो।
नवीन कैलाश का स्वामी हूँ मैं हूँ परम पिता परमेश्वर शिव शिव शिव। एक और कैलाश संसार सर्वश्रेष्ठ जलंधर के अधीन होगा। सर्वत्र गूंजेगा एक ही मंत्र, ओम चंद्राय नमः, ओम जलंधराय नमः। यत्र तत्र सर्वत्र मेरा ही आधिपत्य होगा। अब मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ महान है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, भगवान है आप। अनंत काल से समस्त ब्रह्मांड में कैलाश तो एक ही है और एक ही हो सकता है, फिर ये एक अन्य कैलाश उत्पन्न करने का इतना बड़ा दुस्साहस किसने किया? कौन है जिसे अपने अंत की भी चिंता नहीं? अंत नहीं भैया, ये तो आरंभ है उस विपदा का जिसकी चेतावनी फूफा जी ब्रह्मदेव और ऋषि अगस्त्य ने दी थी। महासंकट बनने के पूर्व ही इसे नष्ट करने का उपाय करना चाहिए हमें, अन्यथा विलंब हो जाएगा। बधाई हो मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ। ब्रेंडा, सर्वश्रेष्ठ तो आप थे किंतु आज आपने अपनी इच्छा शक्ति से वो कर दिखाया जो आज के पूर्व कोई नहीं कर पाया। स्वयं को सर्वोच्च सिद्ध कर दिया आपने। देवों के देव महादेव के पद पर स्थापित हो गए हैं आप, और मैं देवी शक्ति। नवीन भगवान जलंधर हूं मैं। समस्त संसार एक ही मंत्र जपेगा, ओम जलंधराय नमः, ओम जलंधराय नमः। अवश्य प्रभु, ऐसा ही होगा। हाँ वृंदा, यहाँ से आरंभ होगा नवीन ईश्वर का साम्राज्य। इतना तुच्छ, इतना साधारण, स्वयं को ईश्वर कहता है, बताओ कहाँ रहता है? एक दलित भिक्षु के समान है। शिव का आसन होगा शिला का, किंतु मैं सर्वश्रेष्ठ जलंधर इस तुच्छ शिला पर कदापि नहीं स्थित होऊंगा। श्रेष्ठतम सिंहासन होगा मेरा आसन, और जिसे अभी अपनी शक्ति से प्रस्तुत करूंगा मैं।
जलंधर की योग्य है सिंहासन। नवीन सिंहासन के अनुरूप ही परिवर्तन होगा यहाँ। अब परिपूर्ण है क्या वृंदा। स्वयं को ईश्वर कहलाने में कैसे ईश्वर हैं ये, जैसे तुच्छ भवन में निवास करते हैं। क्या मेरा नवीन भगवान का अपनी पत्नी के साथ इस प्रकार के जीर्ण शीर्ण भवन में निवास करना उचित है? सर्वथा अनुचित है ये। नवीन भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर की पत्नी हूँ, स्वयं देवी हूँ, और मेरा इस साधारण से भवन में प्रवेश करना भी मुझे शोभा नहीं देता। मैं इसमें कदापि नहीं रहूंगी। अवश्य मेरी प्रिय वृंदा, सत्य कहती हो तुम। सर्वश्रेष्ठ भगवान जलंधर अत्यंत भव्य और विशाल भवन का निर्माण करेगा तुम्हारे लिए। शिव की पत्नी रहती होगी ऐसे जीर्ण शीर्ण भवन में, किंतु भगवान जलंधर की पत्नी रहेगी ऐसे भवन में जो संसार के समस्त वैभव से परिपूर्ण होगा। जलंधर प्रसन्न हुआ। संसार के नवीन ईश्वर का नवीन कैलाश है। देव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, असुर, ब्रह्मा, विष्णु जब भी इसके निकट से जाएंगे तो यहाँ की चकाचौंध उन्हें विवश कर देगी मेरे समक्ष अपना शीश झुकाने के लिए। वैसे भी भगवान का निवास तो भक्तों का मंदिर होता है। मेरे कैलाश की चमक दमक सभी को स्मरण कराएगी कि ये भगवान जलंधर का निवास है। अब यही एकमात्र मंदिर है उनका। प्रसन्न हुआ। ये भगवान तो साधारण कंद मूल और फल आदि का आहार करते होंगे, किंतु सर्वश्रेष्ठ भगवान जलंधर इस जलाशय में विचरण करने वाले स्वादिष्ट मीन को अपना भोजन बनाएगा। अब तो सब उचित है ना? उचित क्यों नहीं होगा स्वामी, सब सर्वथा उचित है। आप शिव से भी अधिक शक्तिशाली हैं, और मैं पार्वती से भी अधिक सुंदर, और हमारा ये कैलाश सबसे अधिक सुंदर। पूर्ण
रूप से स्थापित हो चुके हैं नवीन भगवान, सर्वश्रेष्ठ जलंधर। आइए प्रभु, अपना आसन ग्रहण कीजिए। अवश्य वृंदा, आसन तो अवश्य ग्रहण करना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ भगवान, जलंधर हूं मैं, जलंधर हूं मैं, जलंधर हूं मैं। भगवान जलंधर की जय हो, भगवान जलंधर की जय हो, भगवान जलंधर की जय हो। एक कार्य और शेष है, मेरे नाम की जय जयकार सर्वत्र गूंजना शेष है। ओम जलंधराय नमः, ओम जलंधराय नमः, ओम जलंधराय नमः। प्रिय, इसके लिए तो मुझे सभी लोगों की यात्रा करनी चाहिए, देवताओं को भी अपना परिचय देना चाहिए। नहीं मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ, ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता। क्या शिव स्वयं अन्य लोगों की यात्रा कर सभी को अपना परिचय देते हैं? देवताओं को स्वयं आना होगा यहां। तुम्हारा सुझाव उचित है, किंतु ये सभी अभी भी पूर्व के समान शिवी के पास गए तो उन्हें कैसे ज्ञात होगा कि मैं कौन हूं? ये कौन बताएगा? ज्ञात होगा उन्हें प्रभु, अवश्य होगा, मेरा विश्वास कीजिए। अभी तो वो आपके इस नवीन कौतुक पर विचार कर रहे हैं, और उनका यही कौतूहल उन्हें आपके पास, नवीन शिव के पास, नवीन भगवान के पास ले आएगा। अपने कौतुक से कौतूहल तो अवश्य उत्पन्न किया है मैंने, नवीन भगवान जो स्थापित हुआ मैं। मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ के समक्ष नतमस्तक होने देवताओं को आना ही होगा यहाँ। आनंद आएगा जब सभी देवता मेरा नमन, मेरा अभिवादन करने के लिए विवश हो जाएंगे। कैलाश का ये प्रतिरूप बाहर से तो उसके समान ही है, किंतु भीतर ऐसी भड़कीली चमक, आश्चर्य है। चित्र रूप ले रही है, इतने विभत्स कैलाश का निर्माण कौन कर सकता है? इस घटना ने तो मुझे चिंता में डाल दिया, इतना तो साहस, कैलाश के समक्ष उसके प्रतिरूप का निर्माण कर लिया है किसी ने। एक दूसरे के समक्ष असंभव, ये हो क्या रहा है? इंद्रदेव, ये जो हो रहा है ये उचित नहीं है, हमें यथाशीघ्र वहां जाकर इसका कारण ज्ञात करना चाहिए। सूर्यदेव उचित कह रहे हैं देवराज, मुझे किसी बड़े अनिष्ट की आशंका हो रही है। हाँ देवराज, हमें अति शीघ्र वहां जाना चाहिए। वास्तविक कैलाश से पूर्णता भिन्न,
विचित्र है ये कैलाश, किंतु इस दूसरे नवीन कैलाश के पीछे अंततः रहस्य क्या है ये मुझे ज्ञात करना ही होगा। मैं भीतर जाकर देखता हूँ ये क्या है और किसने उत्पन्न किया है इसे। रुकिए इंद्रदेव, इसके विषय में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं, कहीं अंदर प्रवेश करके आप पर कोई संकट ना आ जाए। उचित है सूर्यदेव, किंतु यहाँ इतना सन्नाटा क्यों? प्रतीत होता है जैसे भीतर कोई है ही नहीं। कदाचित हमें महादेव से ही जाकर पूछ लेना चाहिए, क्या पता किसी कारणवश उन्होंने ही इस नवीन कैलाश का निर्माण किया हो। अब अचानक ही हलचल कैसी? तो स्वयं महादेव। हाँ इंद्रदेव, हमें उनके समक्ष जाना चाहिए। की बात है, देखने में तो ये साक्षात महादेव प्रतीत हो रहे हैं, किंतु ये उनके साथ कौन है? कदाचित ये माता पार्वती तो नहीं? किंतु महादेव इतने दिखावे और आडंबर के साथ? नहीं नहीं, ये असंभव है। इंद्रदेव यहां कुछ तो अनुचित हो रहा है। हाँ देवराज, महादेव की सरलता तो विख्यात है। मृत पशु चर्म जिनके वस्त्र हैं, जो अपने देह पर भस्म धारण करते हैं, जिनके गले की शोभा भुजगेंद्र सर्प है, जिनके पास सब कुछ है, किंतु वे उससे विरक्त होकर एक तपस्वी की भांति रहते हैं। वो भला ऐसा वैभव और ये बहुमूल्य आभूषण क्यों स्वीकार करेंगे, जो मेरी नगरी में भी नहीं है। सूर्यदेव सत्य कहते हैं, कुछ तो अत्यंत अनुचित घटित हो रहा है यहां। यह विषय तो मेरी भी समझ से परे है। महादेव एक नवीन कैलाश की रचना क्यों करेंगे? हां, और कुबेर देव भी उचित कह रहे थे, महादेव की सरलता के विपरीत है यह आडंबर। अर्थात निश्चित रूप से ये महादेव नहीं है। देवगण, हमें प्रस्थान करना चाहिए। देवताओं, अपने भगवान के दर्शन किए बिना कहाँ जा रहे हो तुम?
ये महादेव का स्वर तो कदापि नहीं। इतना कठोर स्वर महादेव का? नहीं नहीं, असंभव। किंतु महादेव नहीं तो कौन है ये जो उनके समान दिखाई देता है? और स्वयं को भगवान पुकारने का दुस्साहस कैसे कर रहा है? और ये हमें आशीर्वाद क्यों दे रहा है? मैं हूं जलंधर, तुम सबका वास्तविक भगवान, तुम सबका वास्तविक भगवान, तुम सबका वास्तविक भगवान। तुम भगवान नहीं, तुम तो कोई दुस्साहसी पाखंडी हो जो हमारे प्रभु होने का ढोंग कर रहा है। दुस्साहस तो तुम कर रहे हो सूर्यदेव, अपने भगवान जलंधर को पाखंडी बुलाकर। स्वामी, मैंने कहा था ना आपसे कि सभी देवता आपसे भेंट करने अवश्य आएंगे। यही सही समय है, इन्हें अपना परिचय दे दीजिए। बता दीजिए इन्हें कि आप कौन हैं। उचित कह रहे हो वृंदा, महादेव नहीं, सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं, जलंधर हूं मैं, जलंधर हूं मैं, तुम सबका वास्तविक भगवान। आज से तुम्हारा वास्तविक शिव और यह है मेरी पत्नी साक्षात शक्ति। जलंधर, तो इसी को लेकर प्रथम पूज्य गणेश जी, ब्रह्मदेव और ऋषि अगस्त ने महादेव से अपनी चिंता व्यक्त की थी। और यह वास्तविक कैलाश जो आज तक संसार की दृष्टि से छिपा हुआ था। किसने बनाया इन्हें शिव और शक्ति? ये हो क्या रहा है यहाँ? विश्वास नहीं हो रहा ना तुम्हें, किंतु इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। उस मायावी शिव ने अपनी शक्ति दिखाकर, अपना क्रोध दिखाकर तुम्हारे मन में भ्रांति उत्पन्न कर दी और तुम उसका विश्वास करने में विवश हो गए, अंधे भक्त बन गए। साधारण देवता हो ना, भूल करना तुम्हारी पहचान है। किंतु तुम्हारा भगवान होने के नाते तुम्हारे सभी दोष, सभी भूल क्षमा करने के लिए तैयार हूं। किंतु उसके लिए तुम सबको मेरी शरण में आना होगा। इसका दुस्साहस तो सभी सीमाएं लांग चुका है। ओम जलंधराय नमः, ओम जलंधराय नमः, ओम जलंधराय नमः का जाप कर यज्ञ की आहुति दो। बंद करो ये अनर्गल प्रलाप। कल तुम्हारा जन्म हुआ है और आज तुम महादेव का स्थान लेने चले हो। अद्वितीय मूर्खता है ये। तुम्हें ज्ञात भी है कौन है महादेव? अनादि अनंत अविनाशी है महादेव। हमारे, तुम्हारे और सभी के भगवान है महादेव। शिव को भगवान मानना तुम्हारी विवशता थी, समझ सकता हूं मैं। किंतु अब तुम्हारा वास्तविक भगवान
तुम्हारे समक्ष खड़ा है। चिंता मत करो, मैं सगोरी शिव से तुम्हारी रक्षा करूंगा। बस मेरी पूजा करो, मेरा मंत्र जपो, मुक्ति पा जाओगे उस मायावी शिव की माया से। हो चुका हूं, पहचानो मुझे, मैं हूं तुम्हारा ईश्वर, अभिवादन करो मेरा। ओम जलंधराय नमः का जाप करो, कल्याण होगा। जाओ जाकर मंथन करो, अपने भीतर का सत्य उजागर करो और लौट कर मेरे शरणागत बनो, उसी में तुम्हारा उद्धार निहित है। सुना नहीं क्या कहा प्रभु ने? भगवान जलंधर के विश्राम का समय हो चुका है, आप लोग प्रभु का प्रसाद ग्रहण करें और प्रस्थान करें यहां से। सेविका, ये प्रसाद इन सभी देवताओं को दे दो। ये प्रसाद और भगवान जलंधर के चरणों के पुष्प प्राप्त कीजिए। हटाए सब चरणों को। हमें शीघ्र महादेव के पास जाकर सूचित करना चाहिए। कौन है ये बंडी जो इतना दुस्साहस कर रहा है? अब महादेव ही समाधान करेंगे इस समस्या का, वो ही दंडित करेंगे इसे। महादेव देखने में वो आप ही का प्रतिरूप। हाँ प्रभु, और वो स्वयं को वास्तविक ईश्वर कहता है। स्वयं को ईश्वर कहता है? उसका इतना दुस्साहस? इतना ही नहीं प्रभु, उसने अपने लिए कैलाश के प्रतिरूप का भी निर्माण कर लिया, अब वही उसका निवास होगा। हाँ पिताश्री, कैलाश का वो भद्दा और भड़कीला प्रतिरूप तो हमने भी देखा है। इतने स्वर्ण आभूषणों और रत्नों से लदा हुआ है वो कि कोई भी उसे चाह कर भी अनदेखा नहीं कर सकता। कैलाश तो वो पावन स्थान जहाँ भोग विलास की किसी सामग्री का कोई स्थान नहीं, भक्ति की सरिता बहती है यहाँ। कैलाश का प्रतिरूप करने वाला उसका इतना मन भी नहीं समझ सका। प्रभु, कौन है ये दुष्ट उद्दंड पाखंडी जलंधर? देवराज इंद्र, आपका अहंकार जिसके जन्म का कारण है, अंततः आपकी उससे भेंट हो ही गई। ये क्या कह रहे हैं महादेव? इंद्रदेव को उसके जन्म का कारण? देवराज पर छोड़ी गई मेरी क्रोधाग्नि का प्रतिफल है जलंधर। किंतु आप सभी उसके किस कृत्य से इतने चिंतित हैं? पिताश्री समझ क्यों नहीं रहे हैं? वो उन्हीं से स्पर्धा करने का अपराध कर रहा है। पिताश्री अभी भी संकट को गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे? किंतु प्रभु, वो जो कर रहा है वो अत्यंत गंभीर है।
स्वयं को भगवान कह रहा है। तो क्या हुआ देवराज, स्वयं को भगवान कहता है तो कहने दीजिए। कुछ भी कहने से असत्य क्या सत्य हो जाता है? संसार मुझसे ही जन्म पाता है और अंत में मुझ में ही समा जाता है। सर्वज्ञात है मेरा ये सत्य, इसलिए असत्य कितना भी कोलाहल मचा ले किंतु सत्य को लेश मात्र भी प्रभावित नहीं कर सकता। पिताश्री, असत्य का गहन अंधकार व्याप्त होने पर भी सत्य का प्रकाश अवश्य उजागर होता है, किंतु असत्य संसार को भटकाता है और विनाश का, पीड़ा का एवं कष्ट का कारण बनता है। पिताश्री, जलंधर को यदि रोका ना गया तो उसके इस असत्य का दुष्प्रभाव अवश्य होगा। प्रभाव होगा, अवश्य होगा, जब सभी देवता शिव के स्थान पर आपकी प्रार्थना करेंगे तो शिव पर भी इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। पिताश्री, मेरा विचार है कि समस्या अभी जन्म ले रही है और समस्या के आरंभ में ही उसका अंत करना उचित है। हाँ, किसी का भी स्वयं को भगवान घोषित करना बहुत बड़ा अपराध, किंतु ये जलंधर की प्रारंभिक भूल, कदाचित इसीलिए महादेव उसको दंड न देकर सुधरने का अवसर देना चाहते हैं। हमें सावधान रहना होगा प्रभु, क्योंकि शिव और उसके परिवार वाले आपको एक बहुत बड़ी समस्या घोषित कर अपने मायावी और कपटी उपायों से आपका अंत करने का प्रयास करेंगे, किंतु देवताओं पर शिव का एकाधिकार अब आप ही प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप अति बलशाली हैं और गुरु शुक्राचार्य ने आपको अष्ट सिद्धियां प्रदान की हैं, जिससे आप अपराजय हो गए हैं और आपका अंत कोई नहीं कर सकता। आज जलंधर स्वयं को ईश्वर की पहचान बताकर अपना स्थान बना रहा है, कल वो अपने इस परिचय का अधिकार भी जताएगा और जिसके लिए वो सबसे उनके अधिकार छीनने का प्रयास भी करेगा। इससे पूर्व कि वो सबके लिए संकट उत्पन्न करे, हमें उसका दमन करना ही चाहिए। यही तो दुविधा है पुत्र, उसने संसार के लिए संकट बनने का संकेत दिया अवश्य, किंतु वो अभी संकट बना नहीं है। संकट है तो समाधान भी अवश्य है। महादेव जलंधर को नष्ट कर इस संकट को जड़ से ही मिटा सकते हैं। हाँ पिताश्री, मैं गणेश से पूर्णतः सहमत हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ पिताश्री, अब हम सभी को इस चिंता से मुक्त कीजिए, संसार की सुरक्षा कीजिए, नष्ट कर दीजिए उसे, मिटा दीजिए जलंधर की पहचान को। आप मात्र ईश्वर की पहचान नहीं, आप तो स्वयं ईश्वर हैं प्रिय बलश्रेष्ठ। स्मरण रखिए, महादेव होने का जन्मसिद्ध अधिकार है आपका, और जो भी उसमें बाधा बनेगा उसका दमन, अपना ये अधिकार स्थापित करके, ये आपका कर्तव्य है। किंतु गणेश, अपने कृत्य से जलंधर ने स्वयं को प्रमाणित कर क्या किया है? मात्र स्वयं को ईश्वर ही तो घोषित किया है उसने। पिताश्री तनिक रुकिए, अब मैं आप सभी को सरलता से एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ। आप सभी ने ऊंट और उसके स्वामी की कथा तो अवश्य सुनी होगी। एक बार एक यात्री मरुस्थल के मार्ग से यात्रा कर रहा था, रात्रि हुई तो उसने शिविर लगाया और विश्राम करने लगा, किंतु शीत बहुत थी जिसके कारण बाहर खड़ा ऊंट बार बार शिविर के भीतर अपना शीश डाल रहा था। ये देखकर उसके स्वामी को उस पर दया आ गई और उसने ऊंट को शिविर में उसका शीश छुपाने की अनुमति दे दी। सर्वप्रथम ऊंट ने अपना शीश भीतर किया, फिर धीरे धीरे अपना शेष शरीर भी भीतर ले जाने लगा और कुछ समय बाद ऊंट तो शिविर के भीतर था और उसका स्वामी शिविर के बाहर। इसलिए मैं कह रहा हूँ, उसने केवल आज स्वयं को ईश्वर घोषित किया है, किंतु कल वो आपके सभी स्थानों, सभी लोकों में बलपूर्वक प्रवेश कर आपसे आपका सब कुछ छीन लेगा।
कुछ लोग शरणागत बनकर आते हैं, जिन्हें शरण भी देनी चाहिए, किंतु जैसे ही वो अपनी जीवन शैली, अपने विचार, अपना धर्म उन पर ही थोपने लगे जिन्होंने उन्हें शरण दी है, तो उनको उनका स्थान दिखाना आवश्यक हो जाता है। जलंधर तो शरणागत बनकर भी नहीं आया, अपितु वो तो हम सभी को शरणागत बनाने के विचार से आया है। इसलिए पिताश्री, यदि समय रहते हमने जलंधर को नहीं रोका तो वो सबके लिए संकट बनकर उभरेगा। पुत्र गणेश, यदि जलंधर स्वयं को ईश्वर कहता है तो सत्य ही तो है। प्रिय बलश्रेष्ठ, सभी देवताओं को आदेश देकर उन्हें अपने समक्ष नतमस्तक होने पर विवश कर दीजिए। उचित कहती है वृंदा, मेरे भगवान जलंधर का तिरस्कार करने का तू साहस करे, वो तुझ देवता, ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं। अब देवताओं को ज्ञात होगा मेरे बलश्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठ है, भगवान है, वो समस्त संसार को अपने अधीन करेंगे। किंतु कैसे पिताश्री, ये सत्य कैसे है? मेरा अंश तो सभी में है, मैं कार्तिकी में हूँ, मैं उमा में हूँ, प्रत्येक शिला में हूँ, प्रत्येक नदी में मैं हूँ, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, अर्थात समस्त सृजन के आधार सभी पंच तत्वों में मैं ही तो हूँ। मैं सूर्य में हूँ, मैं चंद्र में हूँ, संसार के सभी चराचर जीवों में मैं हूँ, और मैं सभी में हूँ तो मैं जलंधर में भी हूँ। मेरा अंश उपस्थित है उसमें, तो वो असत्य कहाँ कह रहा है? किंतु महादेव, नहीं, स्वयं को ईश्वर घोषित करना इतना बड़ा अपराध नहीं कि उसे दंड दिया जाए। मैं अपना निर्णय ले चुका हूं और उस पर सार्थक हूं। जब तक जलंधर कोई ऐसा अपराध न करे जिससे संसार को हानि हो, मैं उसे कदापि दंडित नहीं करूंगा। किंतु महादेव, देव ने अपना निर्णय सुना दिया, यदि उनके अनुसार अभी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है तो हमें भी प्रस्थान करना चाहिए। अब आप सभी हमें प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। गणेश, यदि महादेव जलंधर को लेकर चिंतित नहीं है तो कदाचित हमें भी अपनी चिंता त्याग देनी चाहिए। अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। पुत्र गणेश, मुझे ज्ञात है इस घटना से तुम्हारा मन बहुत अशांत है। जब ये नवीन लोक उत्पन्न हुआ था तब मेरा मन भी बहुत व्याकुल हुआ था, किंतु जैसा कि ब्रह्मदेव ने कहा, यदि तुम्हारे पिताश्री शांत हैं, तो हमें भी शांत रहना चाहिए। पुत्र, जगत पिता है पिताश्री, अच्छे बुरे, देव दानव, यक्ष किन्नर, गंधर्व मनुष्य, सभी चर अचर जीव उनकी संतानें हैं, और जगत पिता तो अपनी सभी संतानों को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए तो वो सर्वोच्च हैं। किंतु भैया, मुझे आभास हो रहा है कि जलंधर अवश्य कोई बड़ा महासंकट प्रस्तुत करने वाला है। हाँ भैया,
हमें उसकी प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। विकर्तनो विवस्वांश मार्तंडो भास्करो रविः लोक प्रकाशकः श्रीमान् लोक चक्षुर्मुहेश्वरः लोक साक्षी त्रिलोकेशः कर्ता हर्ता तमिस्त्रः तपनस्तापनश्चैव शुचिः सप्ताश्ववाहनः। देवी संज्ञा, मेरा दिवस, मेरे कार्य का आरंभ तुम्हारे द्वारा मेरी आरती से ही होता है। स्वामी, जीवन का आरंभ आपसे ही होता है। सभी प्राणी, समस्त प्रकृति, यहाँ तक कि वृक्ष आदि भी अपने जीवन के लिए आप पर ही निर्भर हैं। स्वामी, आपके उदय होने से नवीन दिवस का आरंभ होता है, इसलिए मेरा आपकी आरती करना उचित भी है और मेरा परम सौभाग्य भी। सत्य कहा तुमने प्रिय, अब हमें जाना होगा। गतिशीलता मुझ पर ही आधारित है, इसीलिए मेरी यात्रा में क्षणिक विलंब भी अनुचित होगा। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। क्या आ गया मेरे समक्ष? महादेव का त्रिशूल? किंतु महादेव का त्रिशूल मेरा और मेरे प्रकाश का मार्ग क्यों बाधित कर रहा है? महादेव का नई सूर्यदेव, ये तुम्हारे नवीन भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर का त्रिशूल है। जलंधर? दायित्व निभाने हेतु स्वयं को अनुशासित रख नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है। मेरी दिनचर्या एक बार पुनः नियम के अनुसार प्रारंभ हो रही है।
भोर होने को है, मेरी पूजा का समय हो गया। प्रत्येक दिवस सर्वप्रथम मैं अपनी किरणें कैलाश पर्वत के शिखर पर भेजकर प्रभु महादेव का अभिवादन करता हूं, और जब मेरी किरणें मानसरोवर से टकराती हैं तब माता पार्वती शिवलिंग का जलाभिषेक करती हैं। समय हो गया है, मुझे शीघ्र कैलाश के निकट पहुंचना चाहिए। ये क्या आ गया मेरे समक्ष? महादेव का त्रिशूल? किंतु महादेव का त्रिशूल मेरा और मेरे प्रकाश का मार्ग क्यों बाधित कर रहा है? महादेव का नहीं सूर्यदेव, ये तुम्हारे नवीन भगवान जलंधर का त्रिशूल है। जलंधर? ये मुझे रोकने का दुस्साहस कर रहा है। जलंधर का त्रिशूल तो यहाँ है, किंतु वो स्वयं कहाँ है? क्या हुआ सूर्यदेव? अपने ईश्वर के समक्ष नतमस्तक हुए बिना आगे बढ़ने की धृष्टता क्यों कर रहे हो? धृष्टता मैं नहीं, धृष्टता तो तुम कर रहे हो जलंधर। सूर्यदेव हूं मैं, पाखंडी ईश्वर के लिए ना ही मैं रुकता हूं और ना ही उसके समक्ष शीश झुकाता हूं। आगे बढ़ो। रुकोगे? अवश्य रुकोगे। तुम तो मैं रुकने पे विवश कर दूंगा। मैं मेरा पाश बांध लेगा तुम्हें। मेरा रथ गिर रहा है, ये कैसे संभव है? आह
अभी तो ये मेरी शक्ति परिचय का आरंभ मात्र है सूर्यदेव। तुम्हारे भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर की शक्ति तो अनंत अपार है। मैंने तो कहा था तुमसे कि मैं तुम सभी का भगवान हूँ। जितनी शीघ्र तुम ये बात स्वीकार करोगे और मेरी पूजा करोगे उतना जीवन आनंद में होगा तुम्हारा। देवता पद पर स्थापित रहोगे, अन्यथा अपने आदेश का पालन करवाना मुझे भली भांति आता है। मात्र कह देने से कोई ईश्वर नहीं बन जाता जलंधर। तो मेरे मार्ग से अच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा। लो, हट गया मार्ग से। और इसके समक्ष शीश झुकाऊंगा? कदापि नहीं। मेरी आज्ञा का पालन किए बिना तुम आगे नहीं जा सकते सूर्यदेव। चलो पीछे चलो तुम। मेरी दिनचर्या अस्त व्यस्त हुई तो संपूर्ण सृष्टि संकट में आ जाएगी। ये तुम उचित नहीं कर रहे हो जलंधर। उचित यही है सूर्यदेव कि तुम मुझे भगवान स्वीकार करो, अन्यथा मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा। अभिवादन करूंगा, मेरे समक्ष नतमस्तक हो जाओ, मंत्र जपो मेरे। ओम जलंधराय नमः। ओम जलंधराय नमः। मैं नतमस्तक होऊंगा इसके समक्ष कदापि नहीं। सर्वश्रेष्ठ हूं, भगवान हूं, जलंधर हूं मैं। मेरे समक्ष कोई भी देवता टेक नहीं सकता। मैं सूर्यदेव हूँ। अपनी किरणों से सभी प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करने का दायित्व है मेरा। मेरी नियमित दिनचर्या से समस्त संसार में समस्त जीवन गतिशील होता है और जो मेरी भी ऊर्जा के स्रोत हैं। परम सत्य है, अनंत है, अनादि है, सर्वव्यापी है, सगुण भी है और निर्गुण भी, दया निधान है, भक्त वत्सल है। जिनकी सरलता ही उनकी विशेषता है, जो सर्वश्रेष्ठ है वही मेरे प्रभु हैं। और सूर्यदेव का शीश उन्हीं सर्वोच्च ईश्वर के समक्ष झुकता है, तुम जैसे पाखंडी के समक्ष नहीं। हटो मेरे मार्ग से, यह तुम्हें मेरी अंतिम चेतावनी है।
मुझे भगवान स्वीकार करने पर यश कर दूंगा तुम्हें, यश कर दूंगा तुम्हें, यश। दुस्साहसी असुर, मैं तुम्हारे इन मिथ्या शब्दों से भयभीत होने वाला नहीं। हटो मेरे मार्ग से, अन्यथा मेरे रथ के दिव्य अश्व द्वारा कुछ ले जाओगे। आगे बढ़ो। और यदि मेरे अश्वों से सुरक्षित भी रहे तो मेरा तेज तुम्हें भस्म कर देगा जलंधर। चिंता चिता है, चिंता में डालकर मुझे मेरी चिता तक पहुंचाने की कल्पना कर रहे सूर्यदेव। किंतु भगवान जलंधर चिंतित होने का नहीं, दूसरों को चिंता में डालकर उनकी चिता को सज्जित करना जानता है। सूर्यदेव, मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे तो उसका उचित दंड भुगतोगे तुम। आदेश भी सूर्यदेव, रुकना तो होगा ही तुम्हें। कदाचित तुम्हें मेरी शक्ति का अनुमान नहीं, अष्ट सिद्धियों का स्वामी हूं मैं। ये क्या? नहीं, मुझे अपने रथ को रोकना होगा। प्रभु, आकाश में ये कैसी हलचल है? ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे सूर्यदेव उदित होना चाहते हो और उन्हें कोई रोकने का प्रयास कर रहा है? ये क्या रहस्य है? मुझे शीघ्र ज्ञात करना चाहिए। मैंने तो मात्र अभिवादन करने के लिए कहा था, आपने तो घुटने टेक दिए। भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर के समक्ष, भगवान जलंधर प्रसन्न हुए। अनुचित है तुम्हारा ये कृत्य और तुम्हारा ये अटास, जिससे तुम मेरा ही नहीं मेरे प्रभु का भी अपमान कर रहे हो, जो मैं कदापि नहीं सहूंगा। जलंधर, तुम्हारे इन दुर्वचनों का और दुष्कृत का उचित उत्तर दूंगा मैं तुम्हें। उत्तर तो तुम्हें प्राप्त होगा अभी क्या अभी, जब तुम्हारे सभी वार निरर्थक हो जाएंगे और तुम मेरी प्रभुता स्वीकार करोगे। होंगे जलंधर, मेरी किरणों का ये
शक्तिशाली बाण तुम्हें भेद देगा, मिटा देगा तुम्हारा ये ढोंग और दिखा देगा तुम्हें कि सूर्य देव का मार्ग बाधित करने का क्या परिणाम होता है। बाण से आहत हो गया ये पाखंडी। ये तो ऐसे अटहास कर रहा है जैसे इसे कुछ हुआ ही नहीं। यही समस्या है तुम तुझ देवताओं की। जी, क्या हुआ प्रिय? स्वामी, कुछ तो बहुत ही अनुचित हो रहा है। वो सूर्यदेव। सूर्यदेव? ये आप क्या कह रही हैं देवी शची? क्या हुआ सूर्यदेव को? स्वामी, मैं देवी पूजा के लिए अपने भवन के अहाते से पुष्प लेने गई थी। तब सूर्य उदय के स्थान पर आकाश में मैंने कुछ विचित्र देखा। आइए, देखिए, सूर्यदेव अभी तक प्रकट नहीं हुए। एक कैसा विचित्र प्रकाश, जैसे आकाश में कोई ज्वालामुखी फटा हो। नियम सर्वोपरि है सूर्यदेव के लिए। अपनी दिनचर्या प्रारंभ करने में वो कदापि विलंब नहीं करते, और यदि उनसे विलंब हुआ है अर्थात अवश्य कोई अनहोनी घट रही है, अवश्य सूर्यदेव किसी संकट में है। निश्चित रूप से सूर्यदेव के साथ कोई ना कोई अप्रिय घटना अवश्य घटित हो रही होगी, किंतु क्या मुझे इसके बारे में ज्ञात करना होगा? देवगण, अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव, प्रतीत होता है सूर्यदेव किसी संकट में है। संकट जो भी है शीघ्र उसका कारण ज्ञात कर उसे दूर करना होगा हमें। प्रतीत होता है कि कोई बहुत बड़ा विघ्न आने वाला है। अब तो प्रथम पूज्य गणेश जी ही इस विघ्न को हट सकते हैं। अब और विलंब नहीं कर सकता, मुझे जाकर देखना ही होगा ताकि मैं उस संकट का समाधान शीघ्र कर सकूं।